Dear students, in this video we will discuss exercise 5.3, question number 3, all 10 parts, which are somewhere difficult for students. Generally, जब भी आप exercise 5.3 करते हैं तो आप लोगों को third question की जो 10 parts अभी हम करेंगे, which are given in your book as questions, आपको उसमें problem आती है करने में and they are important also. तो उसका जो एक part है वो बहुत important है, इसलिए हम लोग यहाँ इस वीडियो में वन बाय वन सारे पार्ट्स डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें ऑल 10 पार्ट्स अटैम्प्ट करने हैं और उससे हमारा क्या होगा. द मेन थिंग, द मेन बेनिफिट ऑफ डूइंग दोज क्वेश्चन इज़ दैट कि हमें अच्छे से आ जाएगा यूज़ करना सम ऑफ एन टर्म्स को, कि कैसे हम सम निकालते हैं या फिर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं सम ऑफ एन टर्म्स का इन केस ऑफ टू केसेस, कि जब आपको लास्ट टर्म दी जाए और जब आपको लास्ट टर्म ना देकर एक जनरल ए डी और नंबर ऑफ टर्म्स दे दिया जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट से. सो लेट मी राइट डाउन हेयर क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट. क्वेश्चन इज इन एन एपी, जनरल एक एपी के बारे में कहा गया है सारे 10 के 10 पार्ट्स में. तो फर्स्ट पार्ट में स्पेशली क्या कहा गया है, ए इज इक्वल्स टू 5, फर्स्ट टर्म इज 5, D equals to 3, difference is 3, AN equals to 50, find N and SN. So this is our first part. यानी आपको क्या क्या गिवन है आप देख ले लीजिए एक बार. फर्स्ट टर्म गिवन है आपको, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, nth टर्म गिवन है, और आप जानते हैं nth टर्म यानी किसी भी ए पी की सबसे लास्ट में आने वाली टर्म को ए एन बोलते हैं. तो हम ए एन को एल बी कहते हैं. तो हम इसे दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इन प्लेस ऑफ एल बी से हम रख सकते हैं, इन प्लेस ऑफ ए एन भी रख सकते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री डाटा वी हैव टू फाइंड एन. एन यानी कितनी टर्म्स आपको निकालनी है ये बताना है, और एस एन जितनी टर्म्स आपकी एन आ जाएँ फिर उसका आपको सम भी बताना है. तो कैसे करते हैं हम लोग इन क्वेश्चंस को, देखिए सबसे पहले तो याद रखिए जो भी आपको वैल्यू गिवन है ना उससे देखिए कि वो कौन से फॉर्मूले से रिलेटेड है. ए एन डी तो इस्तेमाल होता है एज अ सब्सिट्यूट. ये ए एन का आपको आंसर दे रखा है 50, तो क्या हम ए एन का फॉर्मूला रख कर आंसर निकाल सकते हैं? यस श्योर, हम बिल्कुल उससे निकाल सकते हैं क्योंकि ए एन हमें दिया हुआ है और ए एन का फॉर्मूला हम रख कर वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं. सो हाउ वी विल डू इट हेयर, दिस डाटा इज गिवन, ओके वी नो, हम क्या जानते हैं, देखिए हम जानते हैं ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ओके दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए एन. लेट्स पुट वैल्यू वन बाय वन. तो चलिए वैल्यूज रखते हैं, ए एन कितना दे रखा है हमें 50, सो ए एन की प्लेस पर रखिए 50 इक्वल्स टू ए 5, एन वी हैव टू फाइंड आउट, सो एन एज इट इज छोड़िए, एन माइनस वन इंटू डिफरेंस, डिफरेंस इज 3. सो नाउ वी कैन सॉल्व इट सिंपली, एक सिंपल एक क्वेश्चन बन गया है, 50 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स एन माइनस 1, इट विल गिव यू 45 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स एन माइनस 1, दिस 3 विल गो इन डिविजन, सो ये कैंसिल होके आपको देगा 15. सो 15 इक्वल्स टू एन माइनस 1, एन इक्वल्स टू 15 प्लस 1, 16 इज इक्वल टू एन, और एन इज इक्वल्स टू 16. सो आई गॉट नंबर ऑफ टर्म्स है 16, यानी 16th नंबर की टर्म है 50, ओके और 16th नंबर की टर्म का मतलब है वो पूरी टर्म्स ही कितनी है, वो 16 है, तभी तो लास्ट में 16th आ रहा है. तो चलिए वन पार्ट इज डन, ठीक है अब करते हैं सेकंड पार्ट. सेकंड में आपको एस एन निकालना है, यानी जितनी भी टर्म्स आपकी आ रही हैं उन सबको सम करके निकालिए. तो सम करने का फॉर्मूला हम जानते हैं, देर आर टू फार्मूलाज. पहला फॉर्मूला होता है, आई एम राइटिंग हेयर क्योंकि अब इस में यही यूज़ करना है पूरे चैप्टर में, स्पेशली दिस एक्सरसाइज आई एम टॉकिंग अबाउट. एस एन के दो फॉर्मूलाज होते हैं, फर्स्ट फॉर्मूला इज एन अपॉन टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. सेकेंड फॉर्मूला इज एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट ए प्लस एल. सो वी कैन यूज़ एनी वन ऑफ द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू सिचुएशन.
अब देखिए ये थोड़ा लेंदी है, ये इससे शॉर्ट है, तो इस शॉर्ट को यूज़ करने का ज़्यादा सोचिए अगर अवेलेबिलिटी है चीज़ों की तो। एल लास्ट टर्म होता है, तो लास्ट टर्म तो मुझे दे रखी है ना, तो बेहतर है मैं इजी वाला फॉर्मूला यूज़ करूँ, इससे भी आज आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई विल यूज़ नेक्स्ट फॉर्मूला ऑल्सो। एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ब्रैकेट आई प्लस एल, सो लेट्स पुट वैल्यू एस एन, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितने टर्म्स का सम निकालना है 16, सो आई शुड पुट एन इज इक्वल टू 16, एन की जगह रखो 16 अपॉन टू ब्रैकेट इन प्लेस ऑफ ए आई एल पुट 5 प्लस एल, लास्ट टर्म इज 50, सो आई एल पुट एल इज 50, सो आई एम गेटिंग 2 8 16, 8 मल्टीप्लाई 55 दैट इज इक्वल्स टू 440 आंसर, 8 5 40 8 5 40 and 4 4 40। नाउ फॉर यू पीपल आई हैव रिटन सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सेकेंड कर लेते हैं। सो हेयर ऑल्सो फर्स्ट टर्म इज गिवन एज 7, a 13 का मतलब है 13th नंबर पे आने वाली टर्म 35 है, आपको d निकालना है, d मीन्स कॉमन डिफरेंस, s 13 मीन्स सम ऑफ 13 टर्म्स आपको चाहिए। तो सबसे पहले जो चाहिए ठीक है उसको तो हम बाद में देखेंगे, तो पहले जो गिवन है ना उससे क्या क्या निकल सकता है हम उस पर फोकस करते हैं। a 7 तो इससे तो कुछ निकलेगा नहीं, इसे तो यूज़ करना है, लेकिन a 13 से निकल सकता है, आप जानते हैं वी नो a 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a+12d। अब ये चीज़ बेटे शॉर्टकट से हमने लिखा है, आपको शायद आता हो कि कैसे करते हैं, फिर भी चलिए मैं एक बार बता देती हूँ कि कैसे डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं। देखो जनरल an का फॉर्मूला क्या होता है, a+n-1 × d होता है ना, और मुझे a 13 लिखना है, तो n की प्लेस पे आई पुट 13, सो a 13 इज इक्वल टू a+n की प्लेस पर 13-1d भी मालूम नहीं है, सो a+13 में से 1 गया 12d, सो a 13 को हम डायरेक्टली a+12d भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे जो भी nth टर्म को आपको ऐसे एक्सप्रेस करना हो ना, तो a तो हमेशा आएगा, प्लस हमेशा आएगा, और इससे एक कम डिजिट यहाँ लिखा जाएगा d के साथ, इज दैट क्लियर। तो जैसे a 14 आपको दे रखा है, तो आप ये मत दिखाइएगा, आप डायरेक्टली लिखिएगा a 14 इज इक्वल टू a+13d, यानी उससे एक कम, a 14 इज इक्वल टू a+13d। आपसे कहा जाए a 100 लिखिए, तो आप a 100 को कैसे लिख सकते हैं, a+99d। आई होप आप शॉर्टकट ट्रिक समझ गए हैं, अब आगे बढ़ते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। देखो सो आई हैव a 13 एज 35, तो रख देते हैं a 13 की प्लेस पर 35, a 7, सो 7+12d, डी इज़ अनोन, निकालना है हमें, सो 35-7 = 12d, 35 में 7 हटा दीजिए, तो ये देखो ये हो जाएगा हमारा 7 4 = 28, सो आई हैव 28 इज इक्वल्स टू 12d, सो 28/12 विल बी इक्वल टू d। अब d हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है, इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी इसे कट कर लेते हैं, तो किससे कट हो रहा है, ये कट हो रहा है 4 3 = 12, 4 7 = 28, सो आई एम गेटिंग d इज इक्वल टू 7/3। आई होप आप समझ गए हैं d कैसे निकला है। सो माई हाफ और यू कैन से फर्स्ट पार्ट इज डन, अब सेकेंड करना है s 13, s 13 का मतलब 13th टर्म का सम निकालना है। तो देखो बेटे s 13 निकालना है, तो दो फॉर्मूलाज आपके पास हैं s 13 निकालने के लिए, आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। तो देखो बेटे मैं यहाँ ये वाला भी चूज़ कर सकती हूँ, ये तो यूनिवर्सल है, लग ही जाएगा आसानी से, लेकिन मैं आपको ये वाला यूज़ करके दिखाऊंगी, क्यों, क्योंकि लास्ट टर्म यहाँ मौजूद है। आप कहेंगे लास्ट टर्म तो यहाँ है नहीं, an तो लिखा हुआ ही नहीं है, अरे भाई जब 13 तक ही टर्म निकालनी है तो 13th नंबर पे तो ये टर्म लिखी जाएगी ना 35, तो इसका मतलब इस सम के लिए वो आखिरी टर्म का ही काम करेगी, तो यानी मैं लास्ट टर्म यहाँ 35 भी यूज़ कर सकती हूँ, दैट इज़ माई शॉर्ट वे टू डू, ताकि मेरा टाइम सेव हो जाए, वेस्ट ना हो। सो हम लोग आगे इसे करते हैं, सो आई हैव s 13 इज इक्वल टू, चलिए sn का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, n/2 ब्रैकेट a+l, और अगर आप चाहें तो ये भी लगा दीजिए, ज़्यादा दिमाग अगर आपको नहीं यूज़ करना है तो आप क्या कीजिए, सिंपल फर्स्ट वाला करिएगा, कैसे करेंगे आप,
एन की प्लेस पर 13 रखिए, एस 13 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू 7 अपॉन 3। वैसे करिएगा तब भी आंसर आएगा, बट हम कर रहे हैं सेकेंड वाला मेथड। तो सेकेंड में 13 इक्वल्स टू एन मीन्स 13 अपॉन 2 ब्रैकेट ए प्लस एल। ए मीन्स वॉट, फर्स्ट टर्म इज 7, लास्ट टर्म मतलब जो 13th नंबर पे आ रही हो, तो ए 13 तो दे रखी है ना, 35 तो रख लेते हैं। सो आई गॉट 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 35 एंड 7 42। सो ये हो गया आपका 21, और 13 की जब 21 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो यू आर गेटिंग आंसर एज 273। सो लेट मी चेक आंसर, या आंसर इज़ करेक्ट, यही दोनों आंसर्स आ रहे हैं। 273 इज़ सम ऑफ 13 टर्म्स एंड डी इज 7/3। सो आई होप आपको समझ में आ गए हैं दोनों पार्ट्स। सो लेट्स रीच टू थर्ड वन। ओके, सो वी वर डूइंग थर्ड पार्ट, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ए 12 यानी 12th नंबर की आने वाली टर्म 37 है, डिफरेंस इज 3, आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है एंड सम ऑफ 12 टर्म्स आपको चाहिए। तो चलिए पहले आपको ए 12 गिवन है तो फर्स्ट टर्म निकालते हैं। सो ए 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, आपको पीछे भी बताया है, वी नो ए 12 को हम लिख सकते हैं एज, सो ए 12 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 11d, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो लेट्स पुट वैल्यू, 37 इक्वल्स टू ए प्लस 11 इंटू 3, 37 इज इक्वल्स टू ए प्लस 33। सो आई गॉट 37 माइनस 33 इक्वल्स टू ए, सो दिस इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू 4। ओके, सो आई गॉट फर्स्ट टर्म एज 4। अब निकालते हैं सम ऑफ 12 टर्म्स। अब देखो फिर से सोचो, दो फॉर्मूलाज हैं, पहला और दूसरा, सेकंड में लास्ट टर्म चाहिए होती है ना, तो एस 12 का मतलब है 12 तक की टर्म का सम चाहिए, तो 12th पे रुकना है ना जाकर, तो 12th तो दी हुई है, तो हम क्या लगाएं, दूसरा लगाएं ना, वो छोटा है। सो वी नो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट ए प्लस एल, सो आई नीड एस 12, सो एन की प्लेस पर 12 पुट करना है, सो 12 अपॉन 2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आई ऑलरेडी गॉट एज 4, सो 4 प्लस लास्ट टर्म मीन्स 12th नंबर पे आने वाली टर्म एंड दैट इज 37। सो आई गॉट 2 6 12, 6 मल्टीप्लाई 37 एंड 4, ये हो गया आपका 41। सो आई एम गेटिंग माई आंसर एज 246 एंड दैट इज करेक्ट आंसर। आई हैव सीन इन आंसर शीट, तो बोथ आर करेक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा आपको थर्ड पार्ट भी। नाउ लेट्स कम टू फोर्थ पार्ट। सो हेयर A3 मीन्स थर्ड टर्म 15 है, S10 यानी सम ऑफ 10 टर्म्स, शुरुआत की 10 टर्म को अगर आप ऐड करेंगे सो यू विल गेट 125। तो आपको दो हिंट गिवन है, इन दो हिंट की हेल्प से आपको D निकालना है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड A10। A10 मीन्स 10th नंबर की टर्म क्या लिखी हुई है वो भी बतानी है। तो ये तो ठीक है निकल जाएगा, पहले हमें इन दोनों को ओपन करना है कि इससे आंसर क्या निकलते हैं। सो वी नो A3 इक्वल्स टू, बताइए A3 को क्या लिखते हैं, A प्लस 2D लिखते हैं ना, सो A3 इज 15, सो आई हैव 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D। नाउ सी केयरफुली, यहाँ A और D की फॉर्म में इक्वेशन आ गई है, आप इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आपके पास दो अननोन है ना, तो बस क्या करिए, आप इसे इक्वेशन 1 मानकर छोड़ दीजिए। 1 कहाँ मानना है, जहाँ पर आपके पास 2 वेरिएबल्स आ जाएँ, अगर एक ही वेरिएबल आ रहा है जैसे A तो उसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं आप इजिली। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, वॉट इज गिवन, यहाँ एस 10 दे रखा है आपको ऑल्सो, एस 10 इक्वल्स टू 125, यानी आपको एस 10 की स्पेशली वैल्यू दे रखी है, तो आप एस एन के फॉर्मूले में एन की जगह 10 पुट करेंगे तो एस 10 आएगा, तो एस 10 से आप क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे और आंसर निकालेंगे। सो सबसे पहले वी शुड नो दी फॉर्मूला, एस एन होता क्या है, एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वी नो ओके एन इज 10 हेयर, 10 की वैल्यू दे रखी है, सो आई कैन पुट एस 10 इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई ए तो अननोन है सो मैं ए को ए ही छोड़ना चाहिए, एन की प्लेस पर वी कैन पुट 10
डी भी अननोन है, वी विल पुट एज इट इज़। एस 10 की वैल्यू आई कैन पुट 125, सो 125 रखिए यहाँ, ये 2 5s बैठ रहा है, इन ब्रैकेट 2a प्लस 9d बैठ रहा है, और ये डिवाइड में जाएगा, इट विल गिव यू 25। सो इफ़ यू विल फोकस तो इक्वेशन बन रही है कुछ ऐसी, 25 इक्वल्स टू 2a प्लस 9d, मार्केट इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 यूजिंग एलिमिनेशन मेथड आप a और d इजीली निकाल सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हो आप और दोनों को सॉल्व कर रहे हो। तो कैसे सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन से, एक के नीचे ऊपर सीक्वेंस पर रखते हैं ना, फिर कॉफिशेंट सेम बनाते हैं, चेंज करते हैं साइन और कट कर देते हैं। तो चलिए पहले ये वाली इक्वेशन रखते हैं, ए प्लस 2d इक्वल्स टू 15 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। ये दो इक्वेशंस हैं, आप इसमें पहले a को हटाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर कॉफिशेंट सेम होना चाहिए, यानी नीचे 2 है तो ऊपर भी 2 होना चाहिए। तो सिंपली क्या करते हैं आप लोग, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और नीचे वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको जो सिखाया गया है, आपको a का कॉफिशेंट सेम बनाना था ना, तो अपोजिट से मल्टीप्लाई करते थे, नीचे 2 है तो ऊपर 2 से किया, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 से करेंगे ना, करने की ज़रूरत नहीं है, 1 का मतलब होता है इसे सेम ही रखना है। सो आप खाली चाहें तो ऊपर वाली को ही कर सकते हैं, नीचे 1 को लिखे बिना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वी हैव 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30, 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। सो आई विल पुट लाइन एंड देन साइन विल बी चेंज, साइन चेंज करते हैं इसके बाद हम लोग, माइनस 5d इक्वल्स टू 5, सो आई एम गेटिंग d इज इक्वल टू -1। ओके, सो डिफरेंस हमारा -1 आ चुका है, आवर हाफ क्वेश्चन इज डन। अब आते हैं बाकी रिमेनिंग पार्ट पर, इसमें पूछा क्या जा रहा है, a10 पूछ रहे हैं आपसे, सो आई एम डूइंग इट हेयर, a10 ऑल्सो a10 को हम क्या लिखेंगे बेटा, डायरेक्टली a प्लस 9d लिखेंगे ना, सो a प्लस 9d की वैल्यू रख दीजिए, a की प्लेस पर रखना है हमें, अच्छा हमने अभी a निकाला ही नहीं है क्योंकि d निकाल कर हम छोड़ दिया था हम लोगों ने, सो a भी निकाल देते हैं, यहाँ रखते हैं, चलिए इक्वेशन 1 में, तो हम यहाँ निकाल रहे हैं, पुट d इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1, 1 में रखिए, a प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15, a माइनस 2 इज इक्वल टू 15, a इक्वल्स टू 17, ठीक है, सो 17 प्लस 9 मल्टीप्लाई -1, यानी d इज -1, सो 17 माइनस 9 इक्वल्स टू 8, सो माई 10th टर्म इज इक्वल टू 8। सो हमने अभी तक 4 पार्ट समझ लिए हैं, आगे हम करेंगे 5th पार्ट एंड ऑनवर्ड्स। फिफ्थ पार्ट, हेयर d इज इक्वल टू 5, सम ऑफ 9 टर्म इज 75, यू हैव टू फाइंड a एंड a9, यानी आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है और 9th टर्म निकालनी है। सबसे पहले जो हमें गिवन होता है उसको हम यूज़ करते हैं, सो s9 हमें गिवन है, सो चलिए हम sn का फॉर्मूला लगाते हैं पहले, वी नो sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस 2 प्लस n माइनस 1 इंटू d, दिस इज़ द फॉर्मूला। नाउ वी हैव टू पुट वैल्यूज अकॉर्डिंग टू गिवन, सो d की वैल्यू हम पुट करेंगे 5 और s9 यानी n की वैल्यू 9 रखेंगे हम लोग यहाँ, सो वी विल राइट s9 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू, दैट्स गुड, यहाँ n की वैल्यू 9 पुट की है, d हम पुट करेंगे 5, सो s9 इज 75, सो 75 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 2a प्लस 40, सो आई एम गेटिंग 150 इक्वल्स टू 9 2a प्लस 40, सो 150 इक्वल्स टू, आई विल टेक इट इन डिविजन, बट ये देखते हैं कि इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा या नहीं, 9 9 वन 9 60 ये नहीं कट कर पाएगा, तो इससे बेहतर है इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लिया जाए, तो 9 टू 18 a 360।
So I'm getting 150 minus 360 equals to 18a. So minus 210 is equals to 18 times a. So a equals to minus 210 upon 18. So let's cut this one. 3 6 18, 3 7 21, 0 0. So I'm getting 2 3 6, 2 3 6, 2 5 10. So I'm getting a equals to minus 35/3. So my first term आ गई है minus 35/3. अगर upon में भी आए, negative भी आए, so no need to, है ना, get confused कि एक minus में क्यों आ रहा है, upon में क्यों आ रहा है, क्योंकि term हमारी negative भी हो सकती है, reciprocal में भी हो सकती है, यानी एक rational number भी हो सकती है, but number of terms कभी negative नहीं हो सकता, ना ही कभी fraction में हो सकता है. अब turn आता है a9 निकालने के लिए. So a9 equals to, so a9 हम क्या लिखते हैं, a plus 8d, that is equal to a plus 8d. A means 35 upon 3 plus 8 multiply d. D means difference 5. So I got it minus 35 upon 3 plus 8 5 is a 40. So let's take LCM 3. नीचे की नीचे multiply फिर cross कर देते हैं. 3 1 जा 3 minus 35 1 जा 35 plus 120 में से 35 हटा लेते हैं. So 10 minus 5, 5, 11 minus 3, it will be 11 minus 3 कर दीजिए, so 8 बच जाएगा. I am getting 85 upon 3, and this is our answer. Yes, I hope you understood it. कुछ नहीं करना है, बस ये देखिए दिया क्या है, जो दिया है उसी का फॉर्मूला यूज़ करिए, क्योंकि उसी को हम इस्तेमाल करके ए और डी निकालेंगे, और जहाँ ए और डी आ गया तो समझिए कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है. सो आपका एम एक होना चाहिए, फर्स्ट टर्म निकालना, डिफरेंस निकालना, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालनी है तो आप वो भी निकाल सकते हैं. नाउ 6